बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक अनबॉक्सिंग वीडियो शेयर करूंगी। ये देखिए, ये है मेरे पास MarQ बाय फ्लिपकार्ट। ये फ्लिपकार्ट का ओन ब्रांड है। मेरा माइक्रोवेव का और एक न्यू दोस्त आ गया, मेरे किचन का न्यू मेहमान। तो चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ खोल के। ये देखिए, मैंने इसको बॉक्स से निकाल दिया है। अब मैं इसके साइड का जो है इसको भी निकाल देती हूँ। ये देखिए, बहुत ही सुंदर है। ये देखिए, ये जो साइड में प्लग है इसमें हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन देंगे। ये है उसका डोर है, इसको बोलते हैं हैंडल। ये है ग्लास डोर, इससे हम ऐसे खींच के ओपन क्लोज करेंगे। ये है टेम्परेचर कंट्रोल नॉब है, ये फर्स्ट वाला। सेकंड वाला है ये हमारा हीटिंग एलिमेंट नॉब, एंड दिस वन इज टाइमर नॉब। यहाँ पे जो टेम्परेचर कंट्रोल है, इसको हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से। कितना चाहिए हमें, 100, 150, 200, 250, ये सब लिखा है। ये ऑन ऑफ मोड है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो ऑन हो जाएगा। ये है ऑफ मोड। ये टाइमर, हम अपने हिसाब से टाइमिंग सेट कर सकते हैं। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हाउसिंग बोलते हैं। जब भी आप कुकिंग कर रहे हो इसको टच मत करना, किसी भी मोटा टॉवल लेके टच करना। इसमें ही लिखा है कशन, हॉट सर्फेस बोल के लिखा है, इसको टच मत करिएगा, ये हॉट रहता है। ये इसका मैनुअल है, आप इसको यूज करने से पहले इसको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हर माइक्रोवेव का डिफरेंट डिफरेंट मैनुअल रहता है और उसका फंक्शन भी अलग अलग होता है। तो आप पहले इसको पढ़ लीजिएगा, बाद में यूज करना स्टार्ट कीजिए। इसमें ये दिया है, इसको बोलते हैं वायर रैक। इसके ऊपर हम ब्रेड को, केक को भी बेक कर सकते हैं। चिकन, मटन, जो भी हमको यहाँ पे तंदूर करना होता है, ग्रिल करना होता है, यहाँ पे रख के हम कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रे हैंडल। जब भी हम कुकिंग कर रहे हो तो ट्रे गर्म रहता है, तो इसके मदद से हम अंदर रख सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ये गर्म हो तो इसके मदद से हम बाहर अंदर कर सकते हैं, इस गर्म नहीं होगा। इसमें ऐसे दो ट्रे दिया है, इसके ऊपर रख के हम बेकिंग, रोस्टिंग, कुछ भी करना हो कर सकते हैं। इसमें फोर स्क्यूअर्स दिया है। देखिए, इसके अंदर हम कुछ भी पनीर हो, चिकन हो, कुछ भी डाल के हम उसका कबाब बना सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट है, जब हम ऑन करेंगे तो ये लाइट ऑन होगा, जब हम टाइमर ऑन करेंगे तो ये लाइट भी ऑन होगा। हमें जब भी बेकिंग या रोस्टिंग करना हो तब हम ऐसे ओपन करेंगे ग्लास डोर को, और जो प्लेट को यहाँ पे ऑलरेडी है फिक्स करने के लिए प्लेस है, ऐसे फिक्स करेंगे और यहाँ पे रख के जो भी बेक करना हो, रोस्ट करना हो करेंगे। और यहाँ पे हैंडल है, हैंडल की मदद से हम इसको ऐसे पकड़ के निकालेंगे। ये वीडियो एंजॉय कीजिए। आपको अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे मेरा वीडियो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड लीव ए कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।